तो अंकित गुप्ता ने आखिर प्रियंका चाहल चौधरी को वो कौन सा सरप्राइज दे दिया है जिसके बाद प्रियंका बहुत ही ज्यादा खुश हो गई हैं? क्या अंकित गुप्ता ने प्रपोज कर दिया है प्रियंका को? क्या अंकित ने सीधा सीधा बोल दिया है प्रियंका को, यू नो, वो तीन लव्स, वो तीन वर्ड्स, जो प्यारे तीन वर्ड्स होते हैं, क्या अंकित ने वो प्रियंका को बोल दिया है? मैं आपको पूरी खबर इस वीडियो में बताऊंगा और आपको ये खबर सुनने के बाद आप बहुत खुश हो जाएंगे। जो प्रियंकित फैंस हैं, प्रियंका और अंकित के फैंस हैं, वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाने वाले हैं ये खबर सुनकर, क्योंकि खबर ही कुछ ऐसी है। देखिए, नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ हिमांशु सोनी, जर्नलिस्ट हिमांशु सोनी। चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं इस वीडियो की तरफ। देखिए, खबर की तरफ बढ़ते हैं। अब खबर कुछ ऐसी है कि अंकित ने, देखिए, ये सेलिब्रिटीज़ जो है ना, ये सीधा सीधा अपने जो चीज़ें हैं या अपनी बातें हैं वो खुलकर नहीं बयां कर सकते हैं, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें इनको डील करना पड़ता है जिनसे, यू नो, और इनको कुछ भी बोलने से पहले, कुछ भी कॉमेंट करने से पहले या कुछ भी बयान देने से पहले जो इनके कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं उनको भी इनको ध्यान में रखना पड़ता है कि अगर हमने ऐसा बोला तो उसका रिएक्शन, उसके कॉन्सिक्वेंसेस ये होंगे। तो बहुत सारी चीज़ें माइंड में पहले से ही बनाकर, यू नो, ये लोग चलते हैं कि चलिए ठीक है, ये ऐसा 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 होगा तो हमें इस बात का विशेष ख्याल रखना है, तो खुलकर ये नहीं बोलते। बट इनके जब इनडायरेक्ट भी चीज़ें होती हैं ना, तो वो भी एक तरह से इशारा होता है कि ये क्या कहना चाह रहे हैं या फिर ये क्या, यू नो, करना चाह रहे हैं। देखिए, अभी प्रियंका और अंकित अलग अलग सिटीज़ में हैं, अंकित चंडीगढ़ में और प्रियंका मुंबई में, तो दोनों मिल तो सकते नहीं हैं इतना, ना ही वो साथ में आजकल कुछ पोस्ट पिक्चर्स और ये सब कुछ पोस्ट कर पा रहे हैं, बिकॉज़ वो मिल ही नहीं रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है वो सब चीज़ें भी फ़िलहाल तो नहीं है। तो देखिए, अगर वो नहीं हो रहा है तो क्या चीज़ें हो रही हैं वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अंकित ने रिसेंटली पोस्ट शेयर किया जिसमें उन्होंने जो प्रियंकित फैंस का जो गिफ्ट था वो उन्होंने अपने स्टोरी पर लगाया और प्रियंका से पूछा कि उनके साथ चांद पर जाने के लिए। तो देखिए, क्या ये इशारा नहीं है सीधा सीधा अंकित का कि, यू नो, बाकी सब चीज़ें ठीक हैं, बस अब बात जो है वो घोड़ी तक बाकी है, घोड़ी लेकर अंकित आएंगे और ले जाएंगे अपनी दुल्हनिया प्रियंका को। उन्होंने बहुत ही प्यारा सा पोस्ट शेयर किया और जिसमें जो प्रियंकित फैंस का जो वो पीस ऑफ लैंड ऑन मून जो उन्होंने गिफ्ट किया है प्रियंकित को, उन्होंने वो बॉक्स सरप्राइज का प्रियंका को भेजा और उसमें उन्होंने प्रियंका को टैग करते हुए लिखा लेट्स गो, जिस पर प्रियंका ने, यू नो, उसको इमोजी के साथ शेयर कर दिया अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर। तो दोनों ने इजहार कर दिया है प्यार का, दोनों की तरफ से राज़ी हो चुका है सब कुछ और अब देखिए बस दोनों की जो ये रिश्ता है बस वो ऑफिशियली बाहर आना बाकी है, बाकी सब कुछ हो चुका है, लेट मी टेल यू दिस। तो आपको कैसा लगा ये कॉमेंट, ये पोस्ट अंकित की और प्रियंका की, और साथ ही साथ आपको ये वीडियो कैसा लगा कॉमेंट सेक्शन में हमें लिख कर ज़रूर बताएँ।